दीपक तू खींच। शरारत नहीं करनी कुछ भी, ठीक है? हाँ बिल्कुल भी। अगर कीर्ति मंदिर घूमने आते हो ना तो मत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम उठ चुके हैं और भाई अभी टाइम हो रहा है 8, और भाई आज हमारा जाने का प्लान है कहीं लंबे टूर पे। किंसु जाएगा ना? बोलिए। तो देखिए किंसु भी अभी उठा है जस्ट, और अभी हम यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। शरारत नहीं करनी है कुछ भी, ठीक है? हाँ बिल्कुल भी शरारत नहीं करनी है, आराम से बैठ जाओ। बैक कर रहे हैं अभी, है ठीक। मुन्नू मुन्नू तो गया, हाँ गया मुन्नू तो। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है? तो भाई ये ट्रिप हमारा स्टार्ट होता है बरसाने से। तो अभी हम यहाँ पे बरसाने के अंदर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक कीर्ति मंदिर है, तो इसमें हमारा घूमने का प्लान है। और देखते हैं भाई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो भाई ये कीर्ति मंदिर है, हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो अगर कीर्ति मंदिर घूमने आते हो ना तो मतलब यार अंदर से बहुत अच्छा मंदिर है, और बाहर भी डिजाइन अच्छा है, और भाई अंदर दर्शन नहीं हो पाएंगे अब क्योंकि 12 बज चुके हैं और 12 बजे क्लोज हो जाता है मंदिर। तो हम लगभग आधा घंटा लेट हो गए, आधा घंटा पहले और आ जाते ना तो ठीक रहता। अब हम अगले मंदिर में जाते हैं, और बाकी देखिए इवनिंग के टाइम में ना बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम में। तो भाई ये मंदिर क्लोज हो चुका है, अब देखिए 1 बजे तक का टाइम है, और भाई 1 बजे बरसाने का जो मेन मंदिर है राधा रानी मंदिर वो भी क्लोज हो जाता है। तो अभी हम वहाँ पे चलते हैं। ये भाई यहाँ पे राधा भवन, ये भाई राधा कुंड है, यहाँ बहुत गहरा कुआ है। इस साइड चलते हैं, इस साइड मेन मंदिर है, क्योंकि जो टाइम है ना मंदिर का जो टाइम है वो है 1:30 बजे तक का, 1 बजे तक का, मतलब 1 बजे से पहले पहले आ जाओ, उससे उसके बाद आओगे ना फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे। अभी हम अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। भाई यहाँ पे फोटो खींचना तो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, बाकी आपको देख रहे हैं। ये बरसाना गांव है भाई, ये इस साइड मंदिर है, और भाई इस साइड अंदर दर्शन थे, दर्शन बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। ये पूरा का पूरा पहाड़ पे है ये, और वो जो सामने महल दिख रहा है ना वो पार्किंग है, मतलब ये बरसाना गांव है। तो भाई ये राधा रानी महल है, और भाई भीड़ इतनी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी अंदर, और बस ये कि भाई दर्शन कर लो, प्रसाद वगैरह तो ऐसा है लेते हैं और अपना ऐसे डाल देते हैं, मतलब वो चढ़ा हुआ समझो या कुछ भी है। और ये पीछे का साइड का है, भाई ये नजारा है यहाँ से राधा रानी महल। इधर खेत हैं सारे उस साइड, वो रोड भी निकल रही है मेन रोड, और ये महल है मतलब। अच्छा इस साइड महल में घूम लो अच्छी तरह, एक बार उस साइड और चलते हैं। ना अरे फोटो तो खिंचवा ले, मैं वीडियो बना रही हूँ, दीपक तू खींच। तो अब मंदिर बंद हो गया है, और भाई पब्लिक आ रही है अभी इस साइड से, आपको देख रहा होगा। और ये यहाँ पे भाई एक ना कुआ है, ये कोई प्राचीन कुआ ही है, काफी गहरा है, और यहाँ दान पेटी वगैरह लगी है। अब देखो इतना क्राउड है यहाँ पे, ये मेन मंदिर है, ये रास्ता है। अयो वापिस आ जाएगा ना, ये लक्ष्मी है।
तो भाई यहाँ पे ना 12 बजे से पहले पहले, मतलब 1 बजे से पहले पहले आ जाओ, 1 बजे के बाद ना मंदिर क्लोज हो जाता है, और उसके बाद फिर 4 बजे खुलता है, और 4 बजे खुलेगा तो फिर भाई उसके बाद 4 बजे यानी 2-3 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे और भी जो मंदिर है, तो इसलिए अपना 1 बजे से पहले आ जाओ और दर्शन करके फिर अपना आप वृंदावन की तरफ निकल सकते हो। तो अब हम वृंदावन की तरफ ही निकलेंगे, और उससे पहले ना मैं एक बार पार्किंग दिखा देता हूँ। अगर पार्किंग में नहीं आना चाहते तो भाई अपना ऐसा कर सकते हो कि भाई गाड़ी आप नीचे लगा के, और ऑटो से भी आ सकते हो, ऑटो यहाँ तक आते हैं या फिर बाइक आज चलती है, बाइक 50 रुपये लेते हैं बाइक वाले। तो भाई ये पार्किंग है यहाँ की, 50 रुपये लगते हैं, और भाई यहाँ पे मतलब ये एक रेस्ट हाउस टाइप में है, थोड़ी बहुत देर रुक जाओ, एक महल बना हुआ है। और अपना भाई नीचे से अगर अपनी गाड़ी से नहीं आते ना, यहाँ टैक्सी चलती रहती है, ये जो इको खड़ी है ना जितनी भी, ये सारी टैक्सी में चलती हैं और ये नीचे से ही आती हैं। यहाँ ये अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, अब निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये भाई यहाँ पे एक गाड़ी लग गई है, पर थोड़ा सा लेना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ ऐसी चढ़ाई है भाई बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी अगर मान के चलो ड्राइवरिंग कम आती है ना, तो भाई गाड़ी चलाना थोड़ा सा यहाँ टफ हो जाएगा। और यहाँ पतली पतली गलियाँ हो, मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ आपको एक बार। इस तरह से भाई बहुत ही तंग गली है, मतलब सिंगल गाड़ी निकल पाती है, और इसी वजह से ना पहले एक ही साइड की गाड़ियों को जाने को बोला जाता है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा मतलब यार टच हो जाए गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा पतली गली है। बोल गिरिराज जी महाराज की। तो भाई पूरा बरसाना गांव घूम के, और मतलब 2 मंदिर वहां पे विजिट करके, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं गिरिराज जी महाराज यानी कि गोवर्धन पर्वत के पास में, गोवर्धन जो मंदिर है। और यहां पे भाई थोड़ा सा मैं पहली बार गया तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बिल्कुल क्राउड नहीं था, कि भाई ज़्यादा क्राउड होता है ना तो वहाँ पे अच्छे दर्शन नहीं हो पाते, और यहाँ बिल्कुल क्राउड नहीं था, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। वही मेन मंदिर तो वही लगे। जय तो ये है भाई गोवर्धन महाराज, और यहाँ भी दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ पे 3 बजे, और यहाँ मेरे हिसाब से ना ये 24 घंटे ही खुला रहता है ये मंदिर, तो मतलब शाम के टाइम बंद होता होगा। तो बढ़िया दर्शन हो गए भाई, अब चलते हैं यहाँ से मथुरा वृंदावन की साइड में। ये गोवर्धन की मार्केट है भाई, भाई अब आ गए यहाँ पे वृंदावन। अब वृंदावन में एंट्री हुई है, जय श्री राधे। तो भाई ये था बरसाने का टूर, पूरा का पूरा बरसाने में हमने आपको घुमाया, और उसके बाद आपको गोवर्धन में भी घुमाया, और उसके बाद भाई हम पहुंच जाते हैं वृंदावन में। ये जो सीरीज़ है आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, ये सारा कुछ वहाँ पे क्या क्या पूरा का पूरा नॉलेज, भाई कितना क्राउड है कितना क्राउड नहीं है, सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगी। तब तक के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को।